भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, चीवर वाले बुद्ध ने एक जितना भी अपना भिक्खु संघ बनाया या जितने भी बिहार बनाए और जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जितना भी काम उन्होंने समाज को पढ़ाने के लिए किया, सबको पढ़ाने के लिए किया, उसमें उन्होंने अपने टीचर्स के, अपने भिक्खुओं के, अपने भिक्खुणियों के नियम बनाए। उन्होंने सारे नियम अपने एक्सपीरियंस से बनाए, अपने ज्ञान से बनाए, और जैसे जैसे समस्याएं आती गईं वैसे वैसे वो बनाते गए। वो सारे नियम आज भी ऐसे के ऐसे सुरक्षित हैं। वो संघ के नियम हैं, उनको हम बोलते हैं विनय पीटक, यानी विनय के नियम। विनय के नियम बहुत कमाल के नियम हैं। सारी दुनिया में बहुत लोगों ने वहाँ से शिक्षा लेके अपने अपने संगठन बनाए हैं और वो संगठन बहुत अच्छे रन करते हैं। अगर आप विनय के नियम, यानी उसमें जो टीचर्स के नियम हैं, उसमें जो कार्यकर्ता के नियम हैं, वो अगर आप सीख लेंगे तो आप कभी भी समाज में काम करने में पीछे नहीं हटेंगे और आपके सामाजिक काम का बहुत अच्छा रिजल्ट कम मेहनत में आएगा। वो नियम बहुत आसान हैं। जैसे भिक्खु संघ के अंदर जितना भी पैसा आता था, यानी जितना भी सामान आता था, उन्होंने कभी कैश में नहीं लिया। वो सारा सामान वो लेते थे और वो एक साथ मैनेजमेंट में जाके जमा होता था पहले। यानी जो भी आदमी भिक्खु संघ में, यानी टीचर्स के लिए कुछ भी अगर देगा, एक रोटी भी देगा, एक टुकड़ा भी देगा, एक कपड़ा भी देगा, एक अगर उनको कोई भी चीज़ अगर देगा, तो वो पहले भिक्खु संघ के जहाँ कलेक्शन होता है, जहाँ भंडार होता है, वहाँ वो जमा होती है, उसके मैनेजर के पास रहती है, फिर वो जिसको आवश्यक समझते हैं उसको देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ सुंदर है तो किसी बड़े भिक्खु को मिलेगी या अच्छी है तो छोटे भिक्खु को नहीं मिलेगी। जिसका नंबर आएगा और जो चीज़ नंबर पे होगी वो उसको मिलेगी। ये समानता का नियम था। दूसरा वहाँ का नियम ये था कि आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आपको पूरे कपड़े पहन के जाना है, अच्छे से पहन के जाना है। आप वहाँ शालीनता से बैठेंगे, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, बहुत नीची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, कान में एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, आंखों में इशारे नहीं करेंगे, आंखें आपकी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगी, थोड़ी झुकी हुई होंगी, आपकी चाल बिल्कुल नॉर्मल होगी जो आप चलेंगे। खाना जब वहाँ अगर मिलेगा तो समय होगा 12 से पहले तो खाएंगे, वो भी आप जितना खाते हैं कम खाएंगे और चपड़ चपड़ करके नहीं खाएंगे। टॉयलेट जाने के, बाथरूम जाने के, बैठने के, उठने के, प्रैक्टिस करने के सैकड़ों नियम हैं। बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं और एक विनय पीटक हिंदी के अंदर भी है। उस विनय पीटक को जो कार्यकर्ता अगर वो खरीद लें और उसको पढ़ लें तो उनको पता चलेगा कि संघ के अंदर कितने सारे नियम बनाए, जिससे कि संघ के नियमों के आधार पर दुनिया में बड़े बड़े सफल संगठन बने। ये विनय पीटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ख़ासतौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन लगा देते हैं अपने कार्य के लिए, अंबेडकर आंदोलन के लिए या बुद्ध के आंदोलन के लिए या ज्योतिबा फुले के आंदोलन के लिए या किसी भी अपने महापुरुष के आंदोलन के लिए या देश के लिए, या देश के लिए कुछ देने के लिए या अपने प्रांत के लिए कुछ देने के लिए या अच्छाई का काम करने के लिए, उनके लिए विनय पीटक आज भी सर पे रखने वाली पढ़ने की किताब है और मानने की किताब है। विनय पीटक के अंदर इतनी छोटी छोटी बातें भी हैं कि आपने कैसे, किस समय क्या चीज़ करनी है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना है, आपने बात कैसे करनी है, अगर महिला है तो उससे कैसे बात करनी है, कोई बेटी है तो उससे कैसे बात करनी है, कोई बच्चा है तो उससे कैसे बात करनी है, रास्ते में कैसे बात करनी है, जाते समय कैसे करनी है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।